अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में वापस से स्वागत है। गोल्ड फिलहाल $1811 चल रहा है। ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं आई कल गोल्ड में, 1818 के आसपास का हाई बनाया। अभी भी गोल्ड जो है वो वीक जोन में ही बना हुआ है। कल भी 1818 के आसपास का हाई ज़रूर बनाया गोल्ड ने, लेकिन गोल्ड ब्रेक नहीं कर पा रहा है अभी भी। जो एक उसको 1818 और 1820 के ऊपर जो टिकना है, हाई जरूर बन रहे हैं गोल्ड को सर रेजिस्टेंस के आसपास के, लेकिन अभी भी जो है सस्टेन नहीं कर पा रहा है। आज जो है यूएस के बैंक जो है वो बंद है थैंक्सगिविंग की वजह से, तो शाम को हो सकता है मूवमेंट थोड़ा कम हो जाए। ईसीबी की मॉनेटरी पॉलिसी के मिनट्स हैं शाम को, वो आएंगे तो थोड़ा सा उसको देखेंगे। शाम को मूवमेंट थोड़ी सी कम होने के चांसेस हैं, बाकी देखते हैं शाम को क्या वॉलीटिलिटी रहती है। चलिए आज का रेजिस्टेंस सपोर्ट देख लेते हैं गोल्ड का क्या है। गोल्ड रेजिस्टेंट अभी भी 1818 पे बना हुआ है। गोल्ड सपोर्ट है 1798 का। अगर 1818 ब्रेक करता है और सस्टेन करता है गोल्ड इसके ऊपर, तो 1830 और 1840 तक जा सकता है। 1798 के नीचे अगर गोल्ड टिकता है तो 1790 और 1780 तक जा सकता है। फिलहाल गोल्ड अभी भी वीक दो में बना हुआ है, तो अवॉइड कीजिएगा बाइंग करना। 1818 के ऊपर टिकता है तो ज़रूर गोल्ड बाई किया जा सकता है, पर ध्यान रखिएगा आप जब भी बाइंग करें या सेल करें स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के करें। अब आते हैं सिल्वर पे। यह है सिल्वर का चार्ट। 2340 के ऊपर चल रहा है, गोल्ड से अभी भी थोड़ा सा ऊपर ही है, लेकिन अभी भी रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हो रहा है। इसके लेवल देख लेते हैं। MCX के लेवल गोल्ड और सिल्वर के मैंने वीडियो के लास्ट में दे रखे हैं। सिल्वर का रेजिस्टेंस है आज का 2355-60 का, 60 का ही मानिए, 5 सेंट का स्प्रेड भी आ जाता है कभी कभी। सिल्वर का सपोर्ट है आज का 2290 का। ध्यान रखिएगा 2360 ब्रेक करता है और सस्टेन करता है उसके ऊपर, तो $24 और 2450 तक जा सकता है। 2290 के नीचे अगर जाता है और सस्टेन करता है तो 2250 और 2220 तक जा सकता है। फिलहाल सिल्वर भी वीक जोन में है, तो अवॉइड कीजिएगा बाइंग करना। अब आते हैं क्रूड ऑयल पे। क्रूड ऑयल चल रहा है 4590, ऑलमोस्ट 46 के ऊपर का हाई बनाया है, लेकिन अभी भी टिक नहीं रहा है $46 के ऊपर। और लग सक ऐसा मुझे लग रहा है, भी कंफर्मेशन तो नहीं दे सकते, बट डबल टॉप बनता हुआ लग रहा है। बाकी कंफर्मेशन शाम के वीडियो में दूंगा, जो मैं इंग्लिश चैनल पे अपलोड करता हूँ। इंग्लिश चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप देख सकते हैं। इंडिया के हिसाब से 7 बजे उसका वीडियो आता है। क्रूड ऑयल का आज का सपोर्ट है 4490 का। क्रूड ऑयल का रेजिस्टेंस है आज का 4650 का। क्रूड ऑयल का ट्रेंड फिलहाल पॉजिटिव ही है, तो अवॉइड कीजिएगा सेलिंग करना। बट अगर 4490 ब्रेक करता है और सस्टेन करता है नीचे, तो 4420 और $43 तक जा सकता है। अब MCX के लेवल्स देखने से पहले एक बार यूरो के लेवल्स देख लेते हैं। यह है यूरो का चार्ट। 1930 के आसपास का हाई बनाया था इसने पहले, वापस से वहीं के आसपास के हाई बनाए हैं, तो थोड़ा सा कॉशियस हो जाइएगा इन लेवल्स पे। यूरो का सपोर्ट है आज का 1890 का। यहाँ का सपोर्ट है इस कैंडल का। यूरो का रेजिस्टेंस है आज का 1940 का। इस कैंडल से ऊपर का सपोर्ट है यहाँ का। 1940 ब्रेक करता है और सस्टेन करता है कंफर्टेबली, तो 1990 और 2050 तक जा सकता है। अगर 1890 तोड़ता है और सस्टेन करता है तो 1850 और 1800 तक जा सकता है। फिलहाल यूरो पॉजिटिव जोन में है, तो सेलिंग अवॉइड कीजिएगा। 1890 के नीचे टिकता है तो जरूर सेलर्स का एक अपर हैंड आ जाएगा यूरो में। अब आ जाते हैं MCX के लेवल्स पे। MCX का गोल्ड चल रहा है 48680। MCX का गोल्ड का रेजिस्टेंस है आज का 48830। MCX गोल्ड का सपोर्ट है आज का 48510। MCX के लेवल वापस से मैं रिवाइज करूंगा 5 बजे, उसको देखने के लिए आपको कम्युनिटी पोस्ट देखना पड़ेगा।
कम्युनिटी पोस्ट आप तभी देख पाओगे जब आप ज्वाइन का बटन दबाओगे तब, अदरवाइज आपको 5 बजे जो लेवल्स आते हैं वो देखने नहीं मिलेंगे। फिलहाल सिल्वर देख लेते हैं, 60,160 चल रही है MCX की। MCX सिल्वर का रिजल्टन से आज का 60,530। MCX का सिल्वर का सपोर्ट है आज का 59,180। अब निफ्टी के लेवल देख लेते हैं और बिटकॉइन के लेवल देख लेते हैं। कल निफ्टी में एक सपोर्ट दिया था मैंने 12,970 का, अगर आपको याद हो तो ये सपोर्ट था। 12,970 के आसपास 2 या 3 बार निफ्टी ने रिकवर करने की कोशिश की, एक ये है कैंडल एक ये है कैंडल, बट थर्ड अटेम्प्ट में एक ज़बरदस्त सेलिंग आ गई बिकॉज वो बहुत मेजर सपोर्ट था जिसकी वजह से निफ्टी ने एक अच्छी सेलिंग दी। उसके बाद निफ्टी ऑलरेडी वीक जोन में एंटर हो चुकी थी, मैंने क्लाइंट्स को सेल नहीं करवाई बिकॉज क्लोजिंग आ रही थी, इसलिए अभी भी हमारी तो कोई सेल नहीं है, बट यस निफ्टी वीक जोन में एंटर हो चुकी है। आज का रेजिस्टेंस सपोर्ट देख लेते हैं क्या क्या है निफ्टी में। निफ्टी का रेजिस्टेंस है आज का 13,050-60 का, निफ्टी का सपोर्ट है आज का 12,730 का। 12,730 के नीचे निकलता है निफ्टी और सस्टेन करता है तो 12,500 और 12,200 तक जा सकता है। 13,050-60 के ऊपर अगर टिका निफ्टी तो 13,200 और 13,400 तक जा सकता है। फिलहाल निफ्टी जो है वीक जोन में ही है तो अवॉइड कीजिएगा बाइंग करना, 750-740 के नीचे और ज़्यादा सेलिंग आ सकती है। अब देख लेते हैं बिटकॉइन को। ओ वाव, बिटकॉइन 17,860 चल रही है, ज़बरदस्त सेलिंग आई, तकरीबन 4.5% डाउन है आज भी। अगर आप चार्ट के हिसाब से देखोगे तो ज़्यादा देर नहीं हुई है सेलिंग आए हुए मार्केट में, इस कैंडल पे सेलिंग आई है तकरीबन 18,800 के आसपास, तो 3 घंटे में ही तकरीबन 1600 पॉइंट का इसने एक रन दे दिया है। जिस मेन प्रॉब्लम बिटकॉइन की यही है कि बहुत ज़्यादा बड़ी रेंज होती जा रही है, 2,000-2,500 पॉइंट के आसपास ऐसे ही निकल जा रही है। आप ये भी देखोगे तो 4 घंटे पहले ही 18,800 थी और सुबह 19,000 पे शुरू हुई है, 17,200 का लो बना चुकी है, तो मतलब 6-7 घंटे में ही 2,000 पॉइंट ऊपर नीचे हो गई है, नियरली 10%, 10% से भी ज्यादा। चलिए आज का रेजिस्टेंस सपोर्ट देख लेते हैं। बिटकॉइन का आज का सपोर्ट है $17,200 का, बिटकॉइन का आज का रेजिस्टेंस है $18,900 का। बहुत बड़ा रेंज है बिटकॉइन का तो ख्याल रखिएगा बिटकॉइन वीक जोन में है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरी पेड सर्विस लेनी है तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप का नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अगर आपकी कंट्री में टेलीग्राम नहीं है तो आप ट्विटर पर फॉलो कर सकते हो, ट्विटर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब मिलूंगा शाम को शाम वाले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।